हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के बारे में। और ये जो एक्सरसाइज 4.1 है, इसके अंदर कम्प्लीटली हम बेसिक ज्योमेट्री के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो बेसिक ज्योमेट्री है वो होती क्या है और किस तरीके से इनके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बेसिक ज्योमेट्री के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आपको पहले से आइडिया होना चाहिए कि पॉइंट क्या कहलाते हैं, लाइन क्या कहलाती हैं, रे क्या कहलाते हैं। इसके अलावा सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स क्या कहलाते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। इन सब के बारे में जब तक आपको आइडिया नहीं होगा, जब तक आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि पॉइंट होता क्या है, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि यार ये जो पिक्चर दिया हुआ है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर पॉइंट कौन से हैं, लाइन कौन से हैं, रे कौन से हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आएंगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू बता रहा हूँ कि आपको समझना होगा कि पॉइंट क्या कहलाते हैं। पॉइंट का बहुत एक सिंपल सा मीनिंग होता है, पॉइंट वो होते हैं जिस एक ऐसा लोकेशन, एक ऐसी चीज जो बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस पे एक बिल्कुल ऐसा पॉइंट बना होता है, उसे हम पॉइंट कहते हैं। ऐसा बिल्कुल पॉइंट बना हुआ जिसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, ये समझ लीजिए, तो वो पॉइंट कहलाएगा। आप देख पा रहे हैं, ये लड़की एक बिल्कुल एक एग्जैक्ट पॉइंट पे खड़ी है। अब लाइन क्या होता है? लाइन क्या होता है ना, बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन होता है, बहुत सारे जब पॉइंट मिलते हैं, एक लाइन जैसे मान लीजिए बनी है, इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट है, पता नहीं कितने पॉइंट्स हैं, और कंटिन्यूअस बोथ साइड, मतलब इस तरफ भी चलेगा और इस तरफ भी चलेगा, वो हमारी लाइन कहलाएगी। आप देख पा रहे हैं, रोड इस तरफ भी आगे है और इस तरफ भी रोड हमारी आगे है। देखिए, रोड वाला जो पार्ट है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, यानी कि इस तरफ भी रोड जा रही है और इस तरफ भी जा रही है, दोनों तरफ। ये हमारा एक लाइन बन गई कंप्लीटली। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके अंदर दो एंड पॉइंट होते हैं। दो एंड पॉइंट होने का मतलब ये, जिसमें मैं फिक्स होता है कि एक यहाँ पे लाइन फिनिश हो रही है और एक यहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट, उनके अंदर होते हैं दो, वो हमारे लाइन सेगमेंट कहलाते हैं। ये देखिए, एक फिनिशिंग पॉइंट ये है और एक फिनिशिंग पॉइंट ये है, दैट्स अ लाइन सेगमेंट। जिसके अंदर केवल एक ही फिनिशिंग पॉइंट हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से ये आपका फिनिशिंग पॉइंट है और पता नहीं कहाँ तक देखेंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच वन एंड पॉइंट, ये एक लाइन ही है, बट क्या होगा, एक इसका जो होगा वो एंड पॉइंट होगा, वो हमारा रे कहलाता है। रे में क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं, लाइन में एक भी एंड पॉइंट नहीं होता, और पॉइंट में किसी भी डायरेक्शंस में वो नहीं होता, एक फ्लैट सरफेस से एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम डिनोट करते हैं। एंगल क्या होता है? जहां पे भी दो हमारी जो रे हैं वो एक ही पॉइंट को शेयर करती हैं, वो हमारा रे कहलाता है। ये देखिए, एक पॉइंट है और यहाँ पे एक ये रे आ रही है और एक ये होगा हमारा एंगल। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या कहलाती है? जहां पे दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है। परपेंडिकुलर लाइंस वो कहलाती हैं जहाँ पे भी फोर राइट एंगल बनती है। देखिए, एक ये एंगल बन रहा है हमारा, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर, टोटल ये फोर राइट एंगल बन रहे हैं, वो हमारा परपेंडिकुलर लाइन कहलाती हैं। हम देख पा रहे हैं यहाँ भी डायग्राम्स में भी आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को कि कहाँ पे हमारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, आप देख पा रहे हैं, और ये हमारा एंगल है, और ये हमारा एंगल का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर बात करें हम पैरेलल लाइंस के बारे में कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, जैसे कि ट्रेन की पटरियां हो गई, वो हमारी पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल है। आप देख पा रहे हैं, पैरेलल लाइंस के ऊपर एक बच्चा खड़ा हुआ है जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, वो हमारी क्या कहलाती है? पैरेलल लाइंस कहलाती है। ये तो हो गई बेसिक सी बातें। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब इनके अंदर हमारे पॉइंट कौन कौन से हैं या किस तरीके से हम पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं। देखिए, अगर फाइव पॉइंट्स की बात करें तो आप यहीं पे देखिए, आप इनके आंसर्स यहीं पे डिनोट कर सकते हैं। अगर इनके आंसर्स की बात करें, फाइव पॉइंट कौन कौन से होंगे, देखिए पहला पॉइंट ये है वो, फिर ये बी भी एक पॉइंट है, सी भी एक पॉइंट है, डी भी एक पॉइंट है और ई भी एक पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसके पॉइंट होंगे वो होंगे ओ एंड बी भी एक पॉइंट है, इसके अलावा सी भी एक पॉइंट है, डी भी एक पॉइंट है और ई भी एक पॉइंट है, ये इसके फाइव पॉइंट्स होंगे। अब हम बात करते हैं लाइन, लाइन इनकी कौन सी है। देखिए, लाइन बहुत सारी लाइनें हैं। देखिए, एक तो हमारा
डीई भी लाइन है और डी बी भी लाइन है। तो डी सबसे पहले हम यहाँ पे आंसर्स की अगर बात करें तो लाइन में हमारा एक डीई हो जाएगा, डीई भी हमारी एक लाइन है आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा भी बात करें तो डी बी भी हमारी एक लाइन है। और अब ओ से बात करते हैं तो ओ बी भी हमारी लाइन है और ओ ई भी हमारी लाइन है। ओ ई भी देखिए, ओ से ई भी हमारी लाइन है, बी भी लाइन है। और इस तरीके से हम लाइन को डिनोट कर सकते हैं। लाइन में क्या होगा ना कि केवल एक ही दोनों तरफ से वो एक्सपांड होगा, वो हमारी लाइन कहलाएगी। तो आप देख पा रहे हैं ओ बी है और डी बी है, डी बी के बाद हमारा ओ ई है, ओ ई के बाद ओ बी है। तो ये हमारी कहलाएंगे लाइन, ये भी लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन और ये एक लाइन। अब हम बात करेंगे फोर रेज हमारी कौन सी हैं। रे वो होती हैं जो एक पॉइंट से लेकर के जिसके अंदर एक एंड पॉइंट होता है, वो हमारे रे कहलाते हैं। आप देखिए एंड पॉइंट के किन के अंदर है हमारे पास, ओ डी, आप देख पा रहे हैं डी, ओ से लेके डी तक ये हमारी एक रे हो गई। यहाँ पे एक एंड पॉइंट है ओ डी, तो ओ डी हमारा हो गया रे। इसके अलावा बात करें तो ओ ई भी हमारा होगा, ओ ई भी हमारा होगा जिसमें भी एक एंड पॉइंट है रे के अंदर। ओ सी भी हमारा होगा और ओ बी भी होगा। तो ये हमारे रे कहलाएंगे जिसके अंदर एक एंड पॉइंट होगा। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके अंदर दो एंड पॉइंट होते हैं। दो एंड पॉइंट जैसे कि डी हो गया, ओ ई हो गया, ओ बी हो गया, ओ सी हो गया, इस तरीके से। यानी कि जो हमारा लाइन सेगमेंट होगा, लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो लाइन सेगमेंट में हम बता सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे डी ई भी हमारा एक लाइन सेगमेंट है, इसके अलावा ओ ई लाइन सेगमेंट है, और इसके अलावा ओ सी भी हमारा एक लाइन सेगमेंट है, ओ बी भी लाइन सेगमेंट है और ओ डी भी हमारा एक लाइन सेगमेंट है। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, ये वाला और ये वाला भी हमारा एक लाइन सेगमेंट है। तो ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, हमने देखा कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया हमने। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, उसे समझेंगे, देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें हमें दिया गया कि जितने भी पॉसिबल वेज हैं लाइन को ड्रॉ करने के, दो लेटर्स को चूज करके, और यहाँ पे फोर पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन पॉइंट की मदद से आपको बताना है कि कितने पॉसिबल हो सकते हैं। 12 पॉसिबल्स हैं वे हैं यहाँ पे, सारे के सारे बताने हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं बताऊँ तो ए ए बी भी हमारा एक लाइन होगा, तो ए बी हमने लिख दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ए से सी तक भी होगा हमारा, और ए सी भी लिख दिया हमने। ए डी भी होगा तो ए डी लिख दिया हमने। इसके अलावा बात करें बी सी भी होगा और बी डी भी हो सकता है, तो बी सी और बी डी हो गया। सी से ड्रॉ करने की बात करें तो सी डी होगा, सी और डी हो गया। अब हम बात करें अगर बी से, तो बी से देखिए बी ए हो सकता है, बी ए हो सकता है, तो ये हमारा हो गया बी ए। अब हम सी से बात करें तो सी डी तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, सी ए और सी बी दो पॉसिबल हो सकती हैं, सी ए और सी बी। सी बी ऑलरेडी देखिए यहाँ पे सी सी ए हो गया हमारा। इसी तरीके से हम बात करेंगे तो डी ए हो जाएगा, और फिर अगर बात करें तो सी बी होगा, और फिर अगर हम देखें तो डी बी, डी से बी तक हो सकता है और डी से सी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे कितनी लाइंस हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यही 12 पॉसिबल वे हैं जो हमने यहाँ पे बताया है आपको कि इतने पॉसिबल्स पॉइंट लाइंस हो सकती हैं, वो सारी की सारी आप देख पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, और इसे देखेंगे कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, वो कौन से तरीके हैं जहाँ पे हम देखिए यहाँ पे लाइन सेगमेंट हमें बताना है। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, पॉइंट ई देखिए यहाँ पे है, इस पॉइंट ई को कंटेन करते हुए हमें नाम नेमिंग करनी है लाइन की।
तो देखिए यहाँ पे कौन सी हो सकती हैं। अनलाइन कंटेनिंग ई, पहले वाले आंसर्स की बात कर लेते हैं। अनलाइन अनलाइन कंटेनिंग कंटेनिंग ई, ई को कंटेन करते हुए जो लाइन हमारी बनेगी वो हमारी बनेगी सबसे पहले तो ए ई, और इसके अलावा जो हमारी लाइन हो सकती है ई को कंटेन वो हमारी एफ ई हो सकती है। तो ये हमारी दो लाइंस बनेंगी, और लाइन के बारे में ऑलरेडी आपको पता है कि क्या होता है लाइन। और क्वेश्चन नंबर बी के बारे में बात करते हैं, लाइन पासिंग थ्रू ए, जो ए से पास है, ये हमारा ए पॉइंट है, ए से कितनी लाइन पास हो रही है, तो ए से देख पा रहे हैं आप कि ए ई पास हो रही है एक लाइन हमारी, और इसके अलावा जो ए से पास हो रही है, इसके अलावा जो हमारी ए से जा रही है वो हमारी डी ई हो सकती है। ए ई तो है ही है, डी ई भी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अ लाइन पासिंग थ्रू ए, अ लाइन पासिंग थ्रू ए, पासिंग थ्रू ए, तो वो हमारे पास क्या होंगी। देखिए ए से पास होने वाली लाइनों में एक हमारा है ए ई, या फिर आप कह सकते हैं बी डी ई, सॉरी डी ई, ये से पास हो रही है लाइन हमारी। अब हम बात करते हैं सी वाले क्वेश्चन की, जिसमें दिया हुआ है लाइन ऑन विच ओ लाइज, जहाँ पे ओ लाई कर रहे हैं उसके बारे में। देखिए अ लाइन ऑन विच ओ लाइज, कौन सी लाइन्स के ऊपर हमारा ओ लाई कर रहा है, तो ओ लाई कर रहा है हमारा सी सी ओ के ऊपर और ओ सी के ऊपर, सी ओ के ऊपर लाइन कर रहा है और ओ सी के ऊपर लाइन कर रहा है, आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं अ लाइन ऑन विच अ लाइन ऑन विच अ लाइन ऑन विच ओ लाइज, दैट इज सी ओ होगा या फिर हमारा हो सकता है ओ सी, दोनों ही तरीके से हम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर डी के बारे में बात करें, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, दो पेयर्स इंटरसेक्टिंग लाइनों का, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारा पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कौन कौन से पेयर्स हमारे बन रहे हैं, एक ए डी बनेगा ओके, और इसके अलावा हमारा ए डी बनेगा, और इसके अलावा सी ओ बनेगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, देखिए इंटरसेक्ट यहाँ पे हो रहा है तो सी ओ और ए डी के बीच में हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं ए डी एंड सी ओ, ए डी और सी ओ, इसके अलावा जो और हमारा बन रहा है एंड, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइन इंटरसेक्ट, यानी कि ओ एफ और डी, ओ एफ और ए ई और एफ ई, ए ई और एफ ई, आप कह सकते हैं ए ई और एफ ई और एफ ई, ये दो लाइनें जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो पेयर्स हैं जो लाइनों की इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये चीज़ हमें बतानी थी क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में, देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी लाइन्स कैन पासेस थ्रू वन गिवन पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है, गिवन पॉइंट दिया हुआ है, ये मान लेते हैं ये हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से कितनी लाइनें ड्रॉ करी जा सकती हैं, तो हम कह सकते हैं इन्फिनाइट लाइन्स ड्रॉ करी जा सकती हैं। देखिए आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस गिवन पॉइंट्स के थ्रू, इसको मैं कलर करूंगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि किस कितनी लाइनें ड्रॉ करी जा सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी लाइनें ड्रॉ कर सकती हैं, देखिए यही हमारा गिवन पॉइंट है, और इस पॉइंट से देखिए ये लाइन हमने ड्रॉ करी, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, अब देख पा रहे हैं ये एक लाइन ड्रॉ हो गई,
इसके अलावा भी हम चाहें तो एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, एक ये हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और इसके अलावा हम चाहें तो एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक लाइन ड्रॉ हुई हमारी। तो ऐसी बहुत सी लाइनें ड्रॉ करी जा सकती हैं जो ये पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट से बहुत सारी लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं, बहुत सारी लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से। यानी कि अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पासेस थ्रू वन गिवन पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ लाइन, लाइन्स कैन पास थ्रू थ्रू वन गिवन पॉइंट, थ्रू वन गिवन पॉइंट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी के बारे में, और इसे देखते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करेंगी। यहाँ पे दिया हुआ है कि टू गिवन पॉइंट है। दो अगर आपके पास गिवन पॉइंट्स हैं तो कितनी लाइनें पास हो सकती हैं उस गिवन पॉइंट के। तो देखिए, अगर हमारे पास दो पॉइंट दिए जा रहे हैं, हमारे पास दो पॉइंट दिए जा रहे हैं, एक ये हमारा पॉइंट है और एक ये हमारा पॉइंट है, तो अगर मैं पूछूं कि इस कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती है, तो आप कह सकते हैं कि इससे केवल हाँ एक ही लाइन ड्रॉ करी जा सकती है, केवल और केवल एक लाइन ही ड्रॉ करी जा सकती है, केवल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, केवल और केवल एक। तो आप देख पा रहे हैं केवल और केवल इन लाइनों के थ्रू केवल और केवल एक ही लाइनें ड्रॉ करी जा सकती हैं, जो अगर हमारे पास दो गिवन पॉइंट दिए हुए हैं तो केवल एक लाइन ड्रॉ करी जा सकती है। और हमारे पास ये जो पॉइंट दिए हुए थे, एक हमारे पास पॉइंट ये दिया हुआ था और दूसरा पॉइंट हमारा ये दिया हुआ था, दूसरा पॉइंट ये, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। हम कह सकते हैं कि ओनली वन कैन पास, ओनली वन लाइन कैन पास, लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, थ्रू टू गिवन पॉइंट। अब देख पा रहे हैं दो दो गिवन पॉइंट्स में केवल एक ही लाइनें ड्रॉ करी जा सकती हैं। ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, और ये है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हमें करने हैं ड्रॉ, और ड्रॉ करना है सबसे पहले तो पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। तो पहले वाले क्वेश्चंस को हम ड्रॉ करेंगे। देखिए, पॉइंट पी को लाई कराना है, तो सबसे पहले तो एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, और यह हो गई हमारी एक लाइन। और इस लाइन पे जो चीज़ें वर्क करेंगी वो एक पॉइंट होगा यहाँ पे। इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ ताकि आपको समझ आएगा कि आपकी किस तरीके से वर्क कर रही है। एक पॉइंट ये होगा हमारा, एक पॉइंट ये होगा, ए यहाँ पे है हमारा ए और यहाँ पे है हमारा बी, और इसके ऊपर जो लाई कर रहा है वो है हमारा पी। पी इट मीन्स ये भी एक पॉइंट ही है। और इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर बी के बारे में अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर बी के अंदर भी हमें ड्रॉ करना है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। दो लाइनों को इंटरसेक्ट कराना है, और जो एक लाइन हमारी एक्स वाई है, और जो दूसरी हमारी लाइन होगी वो हमारी पी क्यू होगी। जो दूसरी हमारी लाइन है वो है हमारी पी क्यू, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, जो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट का नाम है एम। और इन जो लाइनों का नाम हमें रखना है वो हमें रखना है पी क्यू, तो इसके नाम है पी एंड क्यू। और इसी तरीके से अगर हम इनकी बात करें तो इनके नाम है एक्स एंड वाई।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी के बारे में और उसे देखते हैं कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सी के अंदर लाइन एल कंटेन ई एफ बट नॉट डी, एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, कहीं से भी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो एक लाइन हमने ड्रॉ करी है और इस लाइन के ऊपर, इस लाइन में जो जो पॉइंट होंगे, डी तो सबसे पहले एक पॉइंट है जो कि इस पे कंटेन नहीं कर रहा है, तो डी हमारा एक ये पॉइंट हो गया, और बाकी इस पे जो पॉइंट है हमारे वो ई होगा, और इसके अलावा एक और पॉइंट है और जो वो होगा हमारा एफ, और इस लाइन को एल। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर सी हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी के बारे में, जिसमें कि ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। ओ पी और ओ क्यू को ओ पे हमें मीट कराना है, तो ओ पी और कुछ आप इस तरीके से मीट करा सकते हैं, चाहें तो इस तरीके से आप मीट करा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कराना चाह रहे हैं, ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मीट करा सकते हैं। तो ये है लाइन हमारी, और यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है जहाँ पे वो मीट करेंगे वो हमारा पॉइंट होने वाला है ओ। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ओ, और ये लाइनें हैं और ये लाइन है, जिसमें कि एक है हमारा पी, तो ये हमारा ओ पी हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा पी और पी ओ हो गया, और एक होगा हमारा क्यू। तो इस तरीके से हमें डिनोट करना है क्वेश्चन नंबर डी के अंदर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में, उसे देखेंगे समझेंगे और कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर हमें बताना है जो भी ये फिगर दिया हुआ है इसके बेसिस पे कि स्टेटमेंट हमारे कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। क्यू एम एंड ओ पी आर द पॉइंट ऑफ लाइन एम एन, एम एन के जो पॉइंट है, जो एम एन है इसमें जो हमारे पॉइंट है ये सारे दिए हुए हैं क्या, क्यू एम एन ओ पी आर द पॉइंट, यस हमारे सारे के सारे ये पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं यस ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। एम एन ओ आर द पॉइंट ऑफ, यस ये भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, क्योंकि ये हमारे पॉइंट हैं। एम एंड एन आर द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, एम और एन हमारे एंड पॉइंट हो सकते हैं, बिल्कुल ये भी हमारे स्टेटमेंट सही है। ओ एंड आर द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी, ओ और पी का जो एंड पॉइंट है वो ओ एन है क्या, बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। एम इज अ वन एंड पॉइंट ऑफ लाइन ओ क्यू, ओ क्यू का जो एम है वो हमारा है, नहीं है बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ें और अगले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट नंबर एफ है इसमें कि दिया हुआ है कि एम इज़ अ पॉइंट ऑन रे ओ पी, ओ पी के ऊपर हमारा ओ पी रे के ऊपर क्या हमारा एम एक पॉइंट है क्या, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि अगर हम ओ पी को लेंगे तो एम हमारा पॉइंट नहीं मिलेगा उस पे। रे ओ पी इज अ डिफरेंट फ्रॉम ओ पी उससे डिफरेंट रे है क्या, ओ पी इज अ डिफरेंट फ्रॉम रे ओ पी, तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि डिफरेंट है, तो हम कह सकते हैं यस इट इज़ ट्रू। इसी तरीके से ओ पी आर सेम जो हमारा है वो बिल्कुल गलत है, डिफरेंट है ना कि सेम है। ओ एम इज़ अ नॉट ऑपोजिट रे टू ओ पी, जो हमारा ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये हमारा फॉल्स है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ओ इज़ नॉट अ इनिशियल पॉइंट, यस इनिशियल तो है नहीं, तो के इज़ अ एन इज़ अ इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी का एन हमारा इनिशियल हो सकता है बिल्कुल, तो ये हम कह सकते हैं कि यस ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से हमने बात करी क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को समझ आई होगी किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर अप्रिसियस टाइम
एट द लास्ट गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।